बदायूं केस में दो मासूमों की हत्या के बाद से पूरे प्रदेश में सनसनी सी फैल गई है। बेखौफ आरोपियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से मासूमों का गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपी को 14 दिन की अब जेल भी हो गई है, लेकिन मामले में सीएम योगी का पहली बार बयान सामने आया है। बदायूं मामले में एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए सीएम योगी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा तालिबानी तरीके से मासूमों की हत्या की गई, कानून हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम दंगा नहीं करवा, दंगा से प्रदेश को मुक्त करवाते हैं, और जो दंगाई कीड़े हैं ना, उनको हम ठीक ढंग से उसका ठिकाना भी लगाते हैं। ये दंगा हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हम लोग तो दंगाइयों को सही राह दिखा देते हैं कि भाई देखो, अगर कानून को हाथ में लोगे तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और बदायूं की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, दो मासूम बच्चों की जिस निर्ममता के साथ तालिबानी तरीके से हत्या की गई थी, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी उसी रूप में सामने आनी थी। मामले में दो आरोपी साजिद और जावेद पर हत्या करने का आरोप था। मामले में एक आरोपी साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया था, और वहीं दूसरे आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया, जिसके बाद जावेद को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पूरे मामले में अब तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये हत्याकांड हुआ क्यों, इसलिए पुलिस हत्याकांड का सच जानने के लिए कोर्ट से जावेद को रिमांड पर लेने की मांग कर सकती है और फिर आरोपी से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि बदायूं डबल मर्डर केस से सारा देश सिहर उठा है। पीड़ित परिजनों का भी कहना है कि आरोपियों से किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था,